यार चलो कुछ, यार भूख लगा है, चलो कुछ मांगने के लिए मांग कर खाया। सुबह सुबह आते हैं तुम लोग, पहुँच लीजिए मालिक, खाने दो चार दिन से भूखे हैं मालिक। अरे तो हम लोग भी तो गरीब आदमी हैं, कुछ भी दे दीजिए मालिक। जाइए यहाँ से, कुछ मतलब सुबह सुबह आप लोग आते हैं, बहुत भूखा है, यहाँ से बहुत भूखा है, मतलब जाइए दे दीजिए मालिक ना। मालिक कुछ दे दीजिए खाने के लिए। जाइए सुबह सुबह, कहे ला तुम लोग। मालिक कुछ भी दे दीजिए मालिक, कुछ भी खाने के लिए दे, मतलब पे द्वार पे सुबह सुबह आते हैं मालिक। मैं बहुत भूखा हूँ मालिक। तो हम लोग भी तो गरीब आदमी है, जाइए मालिक, बहुत भूखा, कमाने के लिए हाथ गोड़ भगवान दिया, झूठों का आकर दूसरे के खाने के लिए भाग जाइए यहां से मालिक। जाइए यहां से, और तुम अभी तक यहीं पर है, दीजिए कुछ खाने के लिए। अब देखिए ना, कब सुबह से आया है, यहीं पर बैठा है, कुछ दे दीजिए खाने पीने का है तो दे दें, कुछ दे दीजिए मालिक, कुछ भी दे दीजिए मालिक, कुछ दे दीजिए मालिक। हाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ कीन कर खा लेना, जाओ। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएंगे या उसे अपने घर पर लगाएं। मैं भी अपने घर पर तिरंगा फहराऊंगा। हरी, मेरा घर तो है ये नहीं, भारत मेरा घर है, मैं भी तिरंगा फहराऊंगा, भले भूखे रह जाऊंगा तिरंगा फहराऊंगा, मैं भी भूखा 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 रह जाऊंगा तिरंगा फहराऊंगा। ए रुको, वहीं पर क्या चाहिए? तिरंगा झंडा है भैया। पैसा है? हाँ पैसा तो है, 10 रुपया। 10 रुपया? 10 रुपया का झंडा नहीं मिलेगा, देखते हैं, रुको। एक पीस बचा है तुम्हारे के लिए, एक पीस बचा हुआ है। लो तिरंगा, जा जा ले जा जा। आज मैं भी झंडा फहराऊंगा, आज मैं भी झंडा फहराऊंगा। आज मैं भी झंडा फहराऊंगा, मैं भी झंडा फहराऊंगा। आज आज मैं भी झंडा फहराऊंगा, मैं भी झंडा फहराऊंगा। आज
आज मैं भी झंडा फहराऊंगा, मैं भी झंडा फहराऊंगा। मैं भी झंडा लगता है कि अब मिल गया, इस तरह झंडा फहराऊंगा। अरे तो छोटा पड़ गया, लगता है फिर दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा मिल गया, लगता है इसे। लगता है हो जाएगा। तिरंगे के लिए घर होना जरूरी नहीं है, देश के प्रति, देश की शान तिरंगे के प्रति दिल में सम्मान, दिल में जज्बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है।